सोहने दे दर्द जर्रे बदरोही लाल बन गए कदमानू चुमके रोड़े हीरे ते लाल बन गए। हजूर पाक के जहाँ कदम लगते थे ना, फिर कदमों से लगने वाली चीज़ इतनी अजीम होती थी कि अल्लाह फरमाता मुझे उन जर्रों की कसम जिन जर्रों पे महबूब के कदम लगे। आप सारे मिलके जौक के साथ पढ़े, सोहने दे दर दे जर्रे बदरोही लाल बन गए कदमानू चुमके रोड़े हीरे कदमानू चुमके रोड़े हीरे जिन्नाते पैया नजरा रब दे हबीब दिया मदनी करीम दिया जग दे तबीब दिया जिन्नाते पैया नजरा रब दे हबीब दिया मदनी करीम दिया जग दे तबीब दिया हजरत अवैस बन गए हजरत बिलाल बन गए कदमानू चुमके रोड़े और हुस्ने कमाल को लूं शान जमाल को लूं मंगे आए खैर जिन्ना मेरे लजपाल को लूं मिलके पढ़िए हुस्ने कमाल को लूं शान जमाल को लूं मंगे आए खैर जिन्ना मेरे लजपाल को लूं ओ भी सुल्तान बन गए ओ भी लजपाल बन गए कदमानू चुमके रोड़े हीरे कदमानू चुमके रोड़े हीरे काबे दा नूर उजाला जाली हजूर दिए अरशा तू अरफाला जाली हुजूर दिए काबे दा नूर उजाला जाली हुजूर दिए अरशा तू अरफाला जाली हुजूर दिए जाली नू चुमन वाले जाली नू चुमन वाले गौसो अब्दाल बन गए कदमानू चुमके रोड़े हीरे। अल्लाह तबारक व ताला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्म बुरहानुहु व आज़मा शानुहु की हमद और सना के बाद हुजूर सरवरे कायनात मख़फ़रे मौजूदात ज़ीनत बज़्मे कायनात सैयद सरवरां दस्तगीर जहां गमगुसारे ज़मां हामी बेकसां कायदुल मुरसलीन ख़ातम नबीयीन अहमद मुज्तबा जनाब सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
बारगयालिया में दुरुदो सलाम का गुलदस्ता पेश किया। दुआ है अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए, हमारी और हमारे माँ बाप की बख्शिश का सामान बनाए। हजरात गिरामी, पीछे जो दिन गुजरे हैं वो दिन हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके विसाल के दिन गुजरे हैं। आज का जुमतुल मुबारक मुअज्जन रसूल, और आज मैंने पढ़ा उस दुलगाबा में कि ये सिर्फ हुजूर के मुअज्जन ही नहीं थे, हुजूर के खजानची भी थे। तो मुअज्जन रसूल, खजानची रसूल हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी बारगाह में हम सलामों का गुलदस्ता पेश करेंगे। दुआ है अल्लाह पाक हमें ज़िंदगी में बार बार ऐसे आशिक़े रसूल के मज़ार पर अनवार की हाज़िरी नसीब फरमाए। मेरे नबी के जितने भी सहाबा हैं सारी बड़ी शान वाले हैं, इसलिए कि उनका ताल्लुक मेरे आका के साथ है। हुजूर की आल है, हुजूर की औलाद है, हुजूर की अहले बैत है, हुजूर के असहाब हैं, हुजूर के ग़ुलाम हैं, सारे अपनी अपनी जगह पे बड़े मकाम वाले हैं, क्योंकि इनका ताल्लुक हुजूर के साथ है। और जिसका ताल्लुक हुजूर के साथ हो जाए फिर उसके बारे नारे होते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना जाहदूफीना, जो हमारे रास्ते में कोशिश शुरू करते हैं, जो हमारे रास्ते में मेहनत करते हैं, जो हमारे रास्ते में तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हैं, जो हमारे रास्ते में मसाइब को बर्दाश्त करते हैं लेकिन हमारा रास्ता नहीं छोड़ते हैं, तो लाना दियन्ना हम सोबो लाना, फिर हम भी उनके लिए अपने रास्ते आसान कर देते हैं। यकीनन जब पहले स्टेप पे कदम रखा जाता है तो मुश्किल पड़ती है, लेकिन अल्लाह फरमा रहा है कि जब तुम हमारे रास्ते की तरफ चलते हो तो तुम्हें मसाइल सामने आते हैं, तुम्हें दुश्वारी होती है, लेकिन फिर हम तुम्हारे लिए अपने रास्ते खोल देते हैं। और फिर देखें हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर की मोहब्बत में रब के रास्ते में हर चीज़ को बर्दाश्त किया। तो फिर एक वक्त आया था काबा नीचे रह गया था, बिलाल के कदमों पर आ गए। अल्लाह फरमाता है हम ऐसे रास्ते खोल देते हैं। हुजूर की एक हदीस पाक है, ला तमस्सुन नार मुस्लिमन रआनी औ रआ मर रआनी, और मैं जिसने मुझे देखा या मेरे देखने वाले को देखा और मैं उसे जहन्नम की आग नहीं छुएगी। जिस नबी के दीदार में इतनी बरकतें हैं उस नबी के प्यार में कितनी बरकतें होंगी। कि सरकार फरमा रहे हैं कि मैं अगर ज़ाहरी तौर पे विसाल कर गया तो कोई मेरे अबू बकर को देखेगा तो वो भी जन्नती है, कोई मेरे उमर को देखेगा वो भी जन्नती है, कोई मेरे उस्मान को देखेगा वो भी जन्नती है, कोई मेरे हैदर करार को देखेगा वो भी जन्नती है। रदी अल्लाह अनु मजमाइन, फरमाया जो मेरे देखने वाले को देखेगा मैं गारंटी देता हूँ उसे जहन्नम की आग नहीं छुएगी। जो हुजूर को देखे या हुजूर के देखने वाले को देखे उसे जहन्नम नहीं छुएगी, और जिसको जब मेरे मुस्तफ़ा करीम के देखने वाले की इतनी शान है तो हुजूर खुद जिनके पेट में रह कर आए हैं उस अम्मी की शान का क्या आलम है। ये बड़ी तवज्जो तलब बात है
लोग सहाबा को तो मानते हैं लेकिन हुजूर की अम्मी पे एतराज़ कर देते हैं, अबू पे एतराज़ कर देते हैं। खुदा की कसम अहले सुन्नत को अल्लाह ने ये इजाज़ दिया है और अल्लाह का ये एहसान है कि हम नबी की हर निस्बत का एहतराम करते हैं। हुजूर की एक हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हुमा रवायत करते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तूबा लिमर्रानी, फरमाया खुशखबरी है उसके लिए जिसने मुझे देखा। देखें ये कौन कह रहे हैं, ये मेरे और आपके आका फरमा रहे हैं। फरमाया खुशखबरी है उसके लिए जिसने मुझे देखा, वह आमना भी, सिर्फ देखा नहीं मेरा कलमा भी पढ़ा, उसके लिए खुशखबरी है। फरमाया वतूबा लिमन लम जरानी, और खुशखबरी है उसके लिए जिसने मुझे नहीं देखा है लेकिन मेरा कलमा पढ़ा है, लेकिन सब अमर रात इन मैं अल्लाह का रसूल उसे सात खुशखबरियां देता हूँ, जिसने मुझे देखा और मेरा कलमा पढ़ा उसके लिए एक खुशखबरी है, और जिसने मुझे देखा भी नहीं और मेरा कलमा पढ़ा उसके लिए सात खुशखबरियां हैं। ये बड़ी तवज्जो तलब बात है। कोई इस आड़ में आकर ये ना कह दे कि देखें सहाबा को तो एक खुशखबरी है, हमें सात खुशखबरियां हैं, तो लिहाजा हमारा तो माज़ल्ला मकाम बड़ा हो गया। तो बात ये नहीं है, हमारी करोड़ों खुशखबरियां भी सहाबा की एक खुशखबरी के मुकाबले भी नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया मेरा एक सहाबी सो जाता है, मेरा एक सहाबी सो जाता है, और गैर सहाबी फरमाया वो पूरी ज़िंदगी अमल करता रहता है। तो फरमाया मेरे एक सहाबी के नींद का एक लम्हा, नींद का बोले सारे, नींद का एक लम्हा वो गैर सहाबी की पूरी ज़िंदगी के इबादत के बराबर नहीं है। मतलब ये है कि इनका नींद का एक लम्हा भी उस गैर सहाबी की इबादत से अफजल वाला है। अच्छा, जो वैसे घर में सो जाए, जो वैसे घर में सो जाए उस सहाबी की नींद की बराबरी नहीं है, और जो 1400 साल से हुजूर के बाजुओं में सोए हुए हैं फिर उनकी बराबरी कौन कर सकता है। एक वैसे आम जटकाना बात है, सुन लें आपको लुत्फ दें। किसी का डेरा हो तो डेरे पे उसने कुत्ता रखा हो, तो बंदा आए अंदर, तो कुत्ता जो है ना वो उस आने वाले को भौंकेगा, लेकिन जब डेरे का मालिक उठकर जाएगा और उसका बाजू पकड़ कर आएगा तो फिर कुत्ता बोलने, ज़रा कुत्ता, कुत्ता नहीं भौंके, उसको पता चल जाएगा ये मालिक के बाजुओं में है। ये पता नहीं कैसे हरामी कुत्ते हैं, मुस्तफ़ा के बाजुओं में अबू बकर और उमर लेटे हुए हैं और ये भौंकते रहते हैं, इनको इलम ही नहीं कि उनकी शान क्या है। अगर एक सहाबी घर में सो जाए तो उसकी नींद का मुकाबला नहीं है, और जो रोज़ा अनवर में मुस्तफ़ा के पहलू में सोए हुए हैं उस अबू बकर और उमर की शान का क्या आलम होगा। जन्नती 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 जन्नती। और जिस हस्ती का हम जिक्र करने जा रहे हैं उनको बिलाल पाक कहा जाता है। हुजूर ने किसी को भी रकम देनी होती तो सरकार फरमाते बिलाल को बुलाओ, बिलाल ये रकम निकाल के इसको दो। तो कई कई बार ऐसा भी होता कि अगर किसी को कुछ पैसे देने होते तो हज़रत बिलाल पाक देखते कि ख़जाने में नहीं है, लेकिन हुजूर ने फरमा दिया कि देने हैं, तो हज़रत बिलाल पाक किसी तरफ से अरेंज करके आने वाले को दे देते थे,
बाद में सरकार को बताते थे आका मैंने फलां से लेकर दे दिए हैं, और मैं कोई बात नहीं हम उसका कर्जा अदा कर देंगे। ये हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनके लिए बड़ा एजाज़ ये है कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अभी शुरू शुरू का दौर है नबूवत का, यानी 40 साल की उम्र में जब आपने नबी होने का ऐलान किया तो कुछ लोगों ने कलमा पढ़ा। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप भी हुजूर के ग़ुलामों में से हैं। औरतों में सबसे पहले सैयदा खदीजा पाक, मर्दों में सबसे पहले हज़रत सिद्दीक़ अकबर पाक, बच्चों में सबसे पहले हज़रत मौला अली पाक, आज़ाद करदा ग़ुलामों में से सबसे पहले ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पाक, और हुजूर के आम ग़ुलामों में सबसे पहले हज़रत बिलाल पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा है। हर बंदे के इस्लाम लाने का अपना बैकग्राउंड था, हज़रत बिलाल के इस्लाम लाने का अपना बैकग्राउंड है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हीरा में तो इबादत की है, हुजूर गारे सौर में भी गए हैं, लेकिन आप सीरत की किताबें पढ़ें तो आपको ये इलम होगा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारी गारों में जाकर हुजूर इबादत किया करते थे। एक दिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ एक गार में गए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीक़ा था, जब इबादत कर लेते थे तो सरकार फिर गार से बाहर तशरीफ़ लाते थे। सरकार ने आज इबादत की तो गार से बाहर तशरीफ़ लाए तो देखा एक इंसान है, गंदम ही उसका रंग है। और ये याद रखें, ये जो बिलाल पाक को काले रंग का कहा जाता है, काले इतना काला नहीं था, गंदमी रंग था, बड़ा खूबसूरत रंग था। कैसा खूबसूरत रंग है जिसको मेरे नबी ने पसंद किया है। तो हज़रत बिलाल पाक आप ना बाहर बकरियां चरा रहे थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नज़र देखा, कुर्बान जाऊँ मेरे आका की सिलेक्शन पर, फरमाया अबू बकर, अर्ज़ किया जी हुज़ूर, फरमाया ये बकरियों वाले को ज़रा बुलाओ तो सही। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बुलाया तो मेरे आका ने फरमाया, भाई ये जो तुम्हारी बकरियां हैं हम इनका दूध निकालना चाहते हैं। बड़ी तवज्जो तलब बात है, इस्लाम कबूल कैसे किया बिलाल पाक ने, हम इनका ना दूध निकालना चाहते हैं। तो हज़रत बिलाल बोलने लगे, उस वक़्त कलमा नहीं पड़ा था, बोलने लगे कि बकरियां तो दूध देती नहीं हैं, अभी सुमर में पहुंची नहीं है कि ये दूध दें, तो ये दूध नहीं देती हैं। सरकार ने फरमाया हमने सिर्फ बकरियों की इजाज़त मांगी है, दूध की तो बात ही नहीं की है, तो तुम इजाज़त दो, दूध जाने थे असी जाने। हज़रत बिलाल पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर को अर्ज़ किया, आका आप निकाल लें इसका दूध। सरकार ने एक बकरी के थनों पे अपना हाथ रखा तो बिलाल कहते हैं मैं देखता ही रह गया, अभी थन पकड़ के सरकार ने दबाया नहीं है कि थनों से दूध गिरना शुरू हो गया। और मैं अबू बकर वो हमारा प्याला पकड़े ना, तो वो प्याला जब लाया गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस प्याले में दूध निकाला और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याला भर के सबसे पहले दूध खुद पिया। इसमें भी अपनी हिकमतें हैं सरकार की। उसके बाद दूसरा प्याला भरा तो फरमाया सिद्दीक, अर्ज़ किया जी लाजवाल, फरमाया अबू बकर ये सारा दूध तेरे लिए है। उसके बाद तीसरा प्याला जो है वो भरा और तीसरा प्याला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बकरियों वाले को दो, इसका भी हक बनता है, ये भी दूध पिए। हज़रत सिद्दीक़ पाक ने हज़रत बिलाल को वो दूध का प्याला दिया। तेरे और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत बिलाल को वो दूध का प्याला दिया तो बिलाल पाक ने दूध तो पहले भी बड़ा पीता थी,
लेकिन आज सरकार के हाथों से दूध का प्याला मिला। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो दूध का प्याला लिया पिया तो सरकार ने फरमाया, बिलाल तू हमें जानता है? बिलाल बिन रिबा इनका नाम था। तो अर्ज़ करने लगे, हाँ जानता हूँ। फरमाया, फिर हमारा कलमा पढ़ ले, हमारा ग़ुलाम बन जा। तो हज़रत बिलाल पाक ने अपने दिल से इजाज़त ली। एडे सोहने चेहरे वाला, गल तो बड़ी चंगी करता पिया है, तो मैं क्यों नहीं इन्हों का कलमा पढ़ना। तो हजूर का कलमा पढ़िया तो फिर बिलाल पाक मुसलमान हो गए। एक पंजाबी वाले ने आख्या, जी किवें चेहरे तो नजरा हटावा, ओ किवें चेहरे तो नजरा हटावा, तेरे विच रब दिसदा, किवें चेहरे तो नजरा हटावा, तेरे विचों। ये कोई ये ना समझे ये सिर्फ शेर है, नहीं नहीं, ये कुरान की आयतों का तर्जमा है। अल्लाह ने फरमाया, मैं जो तेरे रसूल फकत अताल्ला, फरमाया जिसने मेरे नबी की अताद की उसने मेरी अताद की है। वाला को सारे जोर ना को सुभान अल्लाह। फरमाया दूसरी आयत में, वो मार मई था इस रमई था वाला कि अल्लाह रमा, फरमाया सोनिया महबूबा ये मट्टी तूने नहीं फेंकी, ये तो तेरे खुदा ने फेंकी है। एक जगह में फरमाया कुल इन कुन तुम तो हिपून अल्लाह फट्टा भी ऊनी यो बिब को मुल्ला, फरमाया सोनिया जड़ा तेरे कदम च आ गया है ओनू मैं अपना यार बना लिया है। अगली आयत सुने, पर मैं इन अल्लाह दीना जुबाजू ना कहीं ना मा जुबाजू अल्लाह, महबूब जो तेरे हाथ पे बैत करते हैं वो खुदा के दस्ते कुदरत पे बैत कर रहे हैं। और इधर मेरे आका ने फरमाया, मर्रा आनी फकत राजल हक, फरमाया जिसने मुझे देखा उसने हक को देख लिया गया। हुण पढ़ो किवें चेहरे तो नजरा हटावा, तेरे बिचों रब दिसदा है, जी करदा मैं तैनू वेखी जावा, अपनो मिलके जी करदा है मैं तैनू, पढ़ो पढ़ो जौक नाल पढ़ो, जी करदा है मैं तैनू वेखी जावा, तेरे विचों। हजरत बिलाल फरमाते हैं, एक मेरे इस्लाम लाने का बिलाल पाक के इस्लाम लाने का ये भी वाक्या है। फरमाते हैं, जब मैं अपने मालिक के घर बैठता था मेरी कुछ जिम्मेदारियां थी, एक जिम्मेदारी ये थी चक्की मैं चलाता था। एक दिन मेरे घर का दरवाज़ा खुला हुआ था, मुझे बुखार था, मैं थक के बैठा हुआ था। मेरे दरवाजे के सामने से मुस्तफ़ा करीम गुजर रहे थे, हुजूर ने मुझे देखा, मेरे करीम आका अंदर तशरीफ़ ले आए। मेरे लजपाल ने फरमाया, तू बैठा क्यों है? उसने कहा, मालिक ने कहा चक्की चलानी है लेकिन चक्की चलाने की हिम्मत नहीं है। फरमाया तुम्हें क्या हुआ गया? उसने कहा मुझे बुखार हुआ गया। तेरे मेरे करीब ने फरमाया, अगर तू इजाजत दे तो तू बैठा रहे, आज तेरी चक्की मैं चलाऊंगा। तेरे मेरे करीम ने जब चक्की चलाना शुरू की, मेरे मुस्तफा करीम ने उसका काम किया। काम करने के बाद तीन दिन ऐसा मामला रहा, किताबों में आता है तीन दिन और तीन रातें थी। तीसरा दिन था जब मेरे करीम आका जाने लगे, बिलाल अफ्ची ने आपके कदमों को पकड़ लिया। बिलाल अफ्ची कहने लगे, वही है ना आप जिसको मक्के वाले जादूगर कहते हैं? फरमाया हाँ मैं वही हूँ। उसने कहा आपका जादू मुझ पे चल गया, गया मुझे कलमा पढ़ा के अपना नौकर बना ले। हकला
पढ़ो पढ़ो कलमा शरीफ पढ़ो हक लाल ओ मुहम्मद सरवर सल आला पढ़िए इस कलमे दराज नारे ने इस डूब दे बेड़े तारे ने सानू दसिया नबी प्यारे ने पढ़िए मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त बिलाल पाक का जो मालिक था अब्दुल्ला बिन जदान था। अब्दुल्ला बिन जदान कहने लगा वो बिलाल है दो दिन हो गए ने बकरियां दूध पहले नालों ज़्यादा दें दिया ने ये बकरियां कित्थे लै के जाना है। अबू जहल नू बुलाया अबू जहल भी आ गया उन्हें क्या खैर है तेरिया बकरियां दे ते थानी बड़े भरे हुए ने मैं भी अपनियां बकरियां छोड़ दावां लेकिन शाम नू मेरी बकरी कोई दुध देंदी है कोई नहीं देंदी है। उन्हें क्या अब्दुल्ला बिन जदान है कोई दाल दे विच काला काला लगदा है जाके वेख ते सही तेरा गुलाम बकरियां कित्थे चरांदा है। तीसरा दिन होया ते बिलाल पाक ने जदों बकरियां कढ़ियां ते बकरियां वी मेरे मुस्तफा दे गार दे मुँह ते जा बैठियां ने हजरत बिलाल ने क्यों मैनू की वेखना है जे ते जानवर भी जानते ने मुस्तफा अल्लाह दे रसूल बन के आए ने। हजरत बिलाल नू अब्दुल्ला बिन जदान ने पकड़ लिया ते हजरत बिलाल नू पकड़िया ते अबू जहल नू भी बुलाया ओ मय्या बिन खलफ नू भी बुलाया उसने कहा ये नौकर तो मेरा है लेकिन इसके मालिक तुम हो तुम जितना जुल्म करना चाहते हो इसके ऊपर जुल्म कर लो आज अगर ये कलमा छोड़ दे तो ये तुम्हारी कामयाबी थी। लेकिन उन्हें पता नहीं था बिलाल ने कलमा किसका चेहरा देख के पढ़ा गया बिलाल ने हुजूर को देख के कलमा पढ़ा था। लो बिलाल पाक की पहली तकलीफ क्या थी हजरत बिलाल पाक रजी अल्लाह तआला ने आपको कपड़े उतार के गर्म पत्थरों पे लिटाया गया और चक्की का पाट आपके सीने पे रखा गया। इसके रसूल देखो कितना दाल एक ने कान में कहा बिलाल कलमा छोड़ दे मुस्कुरा के कहा परा हट जा जान जा सकती है लेकिन मुस्तफा का प्यार नहीं जा सकता गा। दूसरी तकलीफ क्या थी हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु को गर्म रेत पे सीधा लिटाया गया। यार आज अगर हमें धूप में जूता उतार के चलना पड़े तो हमारा क्या हाल होता गया। इधर इश्क़ रसूल देखे कपड़े उतार के गरम रेत रेत भी फिर अरब की रेत है पाकिस्तान की रेत नहीं उस गरम रेत पे लिटाया गया। और अब क्या किया पहले चक्की का पाट रखा था अब चार बंदों ने एक वजनी पत्थर उठा के बिलाल के सीने पे रखा तो बिलाल ने नीचे से कहा मैं बेकरार था मेरा करार आप। बिलाल ने कहा तुम कौन कौन सी अजियत देते रहोगे खुदा की कसम बिलाल कभी भी मुस्तफा का कलमा नहीं छोड़ेगा अब जान तो जा सकती है लेकिन मुस्तफा का प्यार नहीं जा सकता गा। हजरत बिलाल हब्शी को जो तीसरी तकलीफ दी गई यार ये कौन सी तकलीफ दी आज यार मुझे कोई गाली दे दे या आप में से किसी को कोई गाली दे दे तो उसका क्या हाल होता गया किसी को कोई जूता मार दे तो उसका क्या हाल होता गया। लेकिन उन्होंने बिलाल को जमीन पे लिटाया एक रस्सी हजरत बिलाल की गर्दन में डाली चंद बच्चों को बुला के उस रस्सी को दिया। हाँ हाँ सीरत की किताबें
पर बच्चों को कहा मक्के की कोई गली छोड़नी नहीं है, हर गली में बिलाल को घुमा के पूछना बता कलमा छोड़ना है कि नहीं, लेकिन कुर्बान जाऊं। बच्चे कहते हैं जिस गली में भी दाखिल होते हुए हमने पूछा गया बिलाल ने उसी गली में यही पुकार दिया, जान जा सकती है लेकिन मुस्तफा का प्यार नहीं जा सकता गया। अगली बात, बिलाल को चौथी तकलीफ दी गई, वो क्या? एक मैंने किताबें पढ़ाई कि आपको लोहे की जिर्रा पहना कर गर्म रेत पे लिटाया जाता था। एक किताब में, सीरत की किताब में एक जूं है कि आपको लोहे की जिर्रा पहना के पहाड़ के ऊपर रखा जाता है, और एक मरतबा आपको गाय की खाल में लपेट के जंजीरों से जकड़ कर पहाड़ों से गिराया गया। अब बिलाल ने एक जुमला बोल दिया, बिलाल ने कहा उमैया बिन खलफ सुन ले, खुदा की कसम तू मेरी जान के टुकड़े भी कर दे तो मेरा दिल फिर भी मुस्तफा का नारा लगा रहा होगा। हम तो फिर भी यही कहेंगे सदा वसदा रबे तेरा दोबारा। पढ़ो पढ़ो, अजय सारे नहीं पढ़िया लेकिन जोक बन गया, सारे मिलकर पढ़ो सदा वसदा रबे तेरा। और जिते होंदा गरीबादा गुजारा, यार ये कैसा इश्क़ रसूल दा के लोहे की जर्रा भी लग रही है, जुबान पे आग के अंगारे भी रखे जा रहे हैं, गरम रेत पे भी लिटाया जा रहा है, लेकिन बिलाल कहना जिते होंदा गरीबादा गुजारा। एक मरतबा वर्का बिन नौफल आया, ये यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम था, इसने जब हजरत बिलाल को देखा देखने वाले के आंसू निकल जाते थे, यार इसको कितनी तकलीफें दी जा रही हैं, इसका कसूर क्या है, इसके अंदर सिर्फ इस्लाम का झंडा लगा हुआ गया। वर्का बिन नौफल ने कहा ओ बिलाल तू कलमा छोड़ दे तुझे सुकून मिल जाएगा। बिलाल ने कहा वर्का बिन नौफल कैसी बातें करता गया, खुदा की कसम ये मेरी जान के टुकड़े भी कर दे मैं फिर भी अपने नबी का कलमा नहीं छोड़ सकता हूँ। और जिते होंदा गरीबादा, हजरत सिद्दीक अकबर कोलों दी लंगे सुभान अल्लाह खुदरा, आ मेरे हल तवज्जो करो सारे सुभान अल्लाह खुदरा। हजरत सिद्दीक अकबर कोलों दी लंगे ते बड़े गौर नाल वेख्या ते अखां चों आंसू आ गए, बिलाल दे सीने ते पत्थर है, बिलाल फिर भी रसूले पाक दा नाम लेंदा पिया है, बिलाल दी जुबान ते गरम कोले ने बिलाल फिर भी हुजूर दा नाम लेंदा पिया है। हुजूर दे कोल आ गए अबू बकर पाक, अर्ज कीती आका मैं बिलाल नू खरीदना चाहना वा। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर जदों सौदा करे मेरा हिस्सा भी शामिल कर ले। और कौन बिलाल है जिसके खरीदार मोहम्मद मुस्तफा गया, वो हजरत बिलाल पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हजरत अबू बकर खरीदने के लिए गए। उमैया कहने लगा रेट लगाओ, उसने कहा मांग जो कुछ मांगना है। उसने कहा ये काले रंग का बिलाल है, तुझसे सफेद रंग का तुम्हारा गुलाम भी लूंगा, तुझसे कीमत भी लूंगा। हजरत सिद्दीक अकबर ने हजारों दिरहम और दिनार भी दे दिए, सफेद रंग का गुलाम भी दे दिया। बिलाल पाक को लिया, उमैया कहन लगा तू ते बढ़िया पंचायतां करदा सी कि मैं बड़ा वड्डा ताजर हाँ, अज तेनू सौदे दे विच घाटा पै गया है। फरमाया किवें? उन्हें कहा जे तू काले रंग दा गुलाम लिया है तो चिट्टे रंग दा दे दिता है, ते नाल तेनू रकम भी देनी पई है। फरमाया मुँह बंद रखे, तेनू नहीं पता है बिलाल ना मेरा रब भी प्यार करदा है, मेरे आका भी प्यार करदे ने।
आज तू हजरत अबू बकर दी पूरी जिंदगी दी कीमत भी मंगदा ते हजरत अबू बकर तैनू देण वास्ते तैयार थी इस वास्ते कि मैं जड़ा तैनू गुलाम दिता है ओ बारो चिट्टा है अंदरों काला है जड़ा तेरे कोलो लिया है ओ बारो काला है अंदरों कर्मों वाला है ओ ना मुखड़ा ना मुखड़े दा दिल वेख दे पढ़ो पढ़ो ना मुखड़ा ना मुखड़े अल्लाह वाले जवे खने ते दिल वेख दे अल्लाह वाले अच्छा तुसा सारे कोई नहीं पढ़िया तो तुसी बैठे ने लो पढ़ लो ना मुखड़ा ना मुखड़े दा दिल वेख दे ना मुखड़ा ना मुखड़े अल्लाह वाले जे वेखणे ते दिल वेख दे यार आज गल्ला पढ़ के अखां तर हो जांदियां ने जदों हज़रत बिलाल पाक हुज़ूर दे सामने आए मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर जी आका फरमाया अबू बकर मैं तैनू आख्या सी ना मेरा हिस्सा भी शामिल कर लही अर्ज कीती लजपाल अबू बकर भी तेरा है अबू बकर दा माल भी तेरा है ते बिलाल भी तेरा है अबू बकर दा माल भी तेरा है ते बिलाल भी तेरा है मेरे नबी ने फरमाया बिलाल फिर दस ओ तेनू काफरां ने इन्नियां तकलीफां दित्तियां सी ते तू कलमा नहीं सी छोड़दा गल की सी आका जदों तकलीफां दे के हट जांदे सी मैं तुहाडा नाम लैंदा सी जिस्म दे विच मजा ही मजा आ जांदा सी हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है मैं बेकरार था मेरा करार हजरत सुल्तान बहू ने जदों गल सुनी ते सुल्तान बहू अरफां दे सुल्तान ने कहा ए तन मेरा चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद वेख न रज्जा लख लख चश्मा एक खोला एक कज्जा इतना डिठिया मैनू सबर नयावे ते मैं होर किदे वल बजा हुण मुर्शिद दा दीदार एक गल सुन लो सुल्तान बहू ने जड़ा इन्हां नूं वेखदा सी ओह कलमा पढ़ के मुसलमान हो जांदा सी अंग्रेजां ने आख्या दाई जदों हाथ ते बट्टा लैके बाहर आंदी है ते दुकानां चों सिख निकल के कलमा पढ़ लैंदे ने इन्हां दे बाहर निकलण दा टाइम जिहड़ा है ओह मौजन करो हजरत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह रब दे यार सन रब दे यार सन उहनां जदों टाइम मौजन कीता अपने पहरेदार खड़े कीते ते पहरेदारां भी कलमा पढ़ लिया ओह मुर्शिद दा दीदा पढ़ो पढ़ो मुर्शिद दा दीदा अजे पढ़िया नहीं सारे नहीं पढ़िया मुर्शिद दा ओ मैनू लख करोड़ां हजां एन बिलाल बाग ऐ केड़ी किताब है तुसी पढ़ लोगे इंशाल्लाह सारे वेखना जी ना केड़ी आ केड़ी आ भला सारे पढ़ो यार अल्लाह तुम बुखार तो महफूज फरमाए सारे पढ़ो की आ शुरू च लिखिया सही बुखारी
क्या लिखा है? ये तुहाडियां दुआवां नाल अलहमदुलिल्लाह असां पढ़ी हुई आ। शुरू तो मेरे हाशिए लगे हुए ने जिहड़ी मैं उस्तादां कोल पढ़ी आ, ठीक है। लो हुण बिलाल पाक दी हदीस तुहानूं सुणाउण लगा। लो तो भाए ए बुखारी बुखारी कर दे, इन्हां नूं बुखार वड़ जांदा। जश्न आजादी मनाया, किसी नूं पीड़ नहीं पई। आउण महीने बाद रबीउल अव्वल आना, सारिआं दे मरोड़ उठ पैणे आ। जश्न आजादी तुहाडे प्यो ने मनाई थी। जो हजूर के दौर में नहीं है वो तो बिदत है। मैंने कहा हजूर के दौर में तेरा प्यो भी नहीं सी। हाँ हजूर के दौर तेरा प्यो आया सी, तू भी नहीं सी हजूर के दौर। जो हजूर के दौर में नहीं वो बिदत है। अरे किसी आज के रसूल को पढ़। मौलाना सईद अहमद रशद साहब फरमाते थे ना, तुसी गलत नहीं ताडे वड्डे गलत ने, जिन्हें तुहानू पढ़ाया है उन्हें सही पढ़ाया ही नहीं। सईद अशद, सईद अशद करो, सही दस सही दस सही दस। उनके मिजार पुर अनवार पे उनके दर्जे बुलंद हो, ये हदीसें बाक है। ये मैंने हेडलाइन की हुई है। हुजूर जब मिराज तो वापस आए तो बिलाल पाक नु बिठाया सामने। हुण बाहर राती मैं अपने रब नु वेख्या है। ए नहीं आख्या किवें वेख्या है, ए नहीं आख्या बस मनिया सी। इंज मनीदा है, इंज मनीदा है। साढ़े कई लोग दलील पूछते हैं। वह मुस्तफा भी मनण वास्ते दलील पूछता है, हजूर भी मनण वास्ते दलील पूछता है। तवज्जो, हजूर फरमाया मैं राती रब नू वेख्या, आका मुबारक होए। फरमाया बिलाल मैं ना जन्नत च भी गया सी। आका बड़ी गल है, वाह अल्लाह का यार। फरमाया बिलाल मैं जन्नत च भी गया सी। आका बड़ी गल है। समय तो वाहिद मुतकलम का सिगा माजी का, समय तो दफा ना लई का। बिलाल तेरे ना कदमा की आवाज नू मैं सुनया है। अच्छा कितने सुनया है? बैना जदया फिल जन्ना। हदीस दे लफ़्ज़ ना, हुण खुदा की कसम मेरी तौण मर दो। हदीस दे लफ़्ज़ ने समय तो दफा ना लई का बैना जदया फिल जन्ना। ए नहीं क्या फिल मक्का, फिल ताइफ, फिल गारे गीरा, फिल गारे सौर। ए नहीं आख्या आका मैं इत्थे टुरदा पिया, तुसी ओथे सुन दे पे। मैं इत्थे टुरदा पिया, ए भी नहीं आख्या। बल्कि जुबाने हाल ना लड़ कीता, आका तुहाडियां ते फिर शाना वराउल वरान। आला हज़रत ने इहदा तर्जमा कीता, दूरो नज़दीक से सुनने वाले कान लाले करो मत बेला। अच्छा इत्थों तू आसमान दा फासला, ये तो साइंसदान इत मुतफिक होणगे। अगला वेख लो, पहले आसमान तो दूसरे आसमान का फासला 500 साल का। जे यानी बंदा 500 साल पैदल चलता रहे ना, 500 साल पैदल चलता रहे ना। आ कई डॉक्टर दसते हैं अद्धा घंटा तू वाक करनी है, वो अद्धा घंटा इतों टुरना शुरू करें तो कितों तक पहुँच जाता। तो 500 साल का सफ़र है पहले आसमान तो दूसरा, दूसरे तो फिर 500 साल तीसरा, तीसरे तो फिर चौथा 500 साल। अच्छा सत्तों पंजा, हाँ रियाजी थोड़ा ठीक है, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। 3500 साल का सफर, उस तो उत्ते सिदरतुल मुंतहा, उस तो उत्ते जन्नत। भी डेफिनेशन बुखारी शरीफ तो मौजूद है, 7 आसमाना तो उपर जन्नत और जन्नत। ते हजरत बिलाल पाक टुरदे पे ने मक्के च, ते इमामे बुखारी ने लिखा, कुर्बान जावा इमामे बुखारी दे, ते इमामे बुखारी ने लिखा कि हजूर फरमाते रहे कि मैं बिलाल अपने अगे अगे सुनी आवाज़ तेरी। बैना जदैया अपने, ये नहीं आख्या कि बिलाल तू पता नहीं कितने सी, मैं कितने नहीं, मैं अपने अगे अगे। उलमा ने जी दो तशरियां की, उन्होंने कहा या तो बिलाल मक्के में चल रहे थे, या बिलाल उस वक़्त जन्नत में मुस्तफ़ा के सामने चल रहे थे। इस डेफिनेशन में हम नहीं जाते, हम कहते हैं चले जी मक्के में चल रहे हैं। अज इत गली के मैं एक बंदे नू टोरा, तो तुसी बैठे हो इतने, तो पखा बुझा के भी तुसी कान खिड़की दे नाल भी ला लो ना,
तो शायद तुहानू उहदे कदमां दी आहट ना सुणे ते कुर्बान जावां मैं अपने नबी दी समाद तो। तू हजे भी इसे रोले नू पिया यार साडा दरूद सुणदे ने कि नहीं, साडा सलाम सुणदे कि नहीं। वो इन्हां रोलियां चो बाहर निकल के मेरे नबी दा दरूद पढ़, खुदा दी कसम है वह पत्थर मारन वालियां नू दुआवां देंदे ने तो दरूद पढ़न वालियां ते कितने मेहरबान हो। बिलाल किहड़ा अमल करदा है? लजपाल जदों मेरा वुजू टुटदा ना तो वुजू कर लैंदा। और एक गल याद रखना, जिहड़ा बंदा हर वक्त वुजू वाला रहिंदा है ना उहदे रिज़क च कदी कमी नहीं आती। अच्छा फरमाया फिर अर्ज की आका फिर जब वुजू कर लैंदा ना तो फिर दो नफल पढ़ लैंदा। जिस नबी दे गुलाम बिलाल दी इतनी शान है उस मदीने दे ताजदार दी शान दा क्या हाल है। हज़रत उमर ने इमाम बुखारी शरीफ, अच्छा बुखारी शरीफ वाले ने हज़रत बिलाल के नाँ का पूरा चैप्टर बनया जे। हज़रत अबू बकर उमर उस्मान हैदर करार हसनैन करीमैन अशरा मुबशरा, अगर इनके पूरे पूरे चैप्टर हैं तो बिलाल का भी पूरा चैप्टर है। आ हदीस से बुखारी दी, हज़रत उमर ने एक बार आख्या अबू बकर हैं हमारे सरदार और वाह ताका सैयदाना यानी बिलालन। अबू बकर ने बिलाल खरीद के ऐलान किया बिलाल भी साडा सरदार है, बिलाल भी साडा। अगले जुमे तुहानू सुनावांगे सुल्तान बहुत यह जुमला कि दिल काले नालों मूँह काला चंगा। अंदर बंदा बाहर बंदा चिट्टा होवे करीमा लाई दे ये फलां बड़े अमल करदा, अंदरों खोटा होवे तो किसे काम दा नहीं जे। लेकिन एक बंदा बाहर रंग शंग कुछ भी ना होवे, लिबास कुछ भी ना होवे। अज मेरी गल हाजी आबाद और गिरदो नवा चो आने वाले हो, अज मेरी गल तवज्जो ना सुन लेना। मेरे नबी की बारगा वो है जहाँ कद नहीं देखा जाता, कांट नहीं देखा जाता, लिबास नहीं देखा जाता, कोठियाँ कारां बंगले लैंड क्रूज़रां नहीं देखी जाती, खुदा की कसम वहाँ दिलों का प्यार देखा जाता। और इस जुमले नूं इंशाल्लाह मैं अगले जुमे दसांगा। एक बजे तशरीफ लिया करो तो साडा पूरा खिताब भी इंज दा हुंदा है तो तुहानूं लुत्फ आया करेगा। माशाल्लाह काफ़ी दोस्त पहलों आ जाते हैं बड़ी मुहब्बत नाल। एक तो यह जड़ा जड़ां वाले च वाकया होया वा, सुन लो इहदी गल। ये जड़ां वाले दे विच जिहड़ा मस्जिद के सामने कुराने पाक जलाए गए ने और उस बंदे ने जिहड़ा खत लिखा है ना, वह खत अगर कोई गैरतमंद बंदा पढ़ लवे तो वह गैरतमंद बंदा कहेगा मैनू हुण किसे शायद की परवाह नहीं, मैं इनू पहलों टपावां। उन्हें सरकार दे बारे जिहड़े जुमले लिखे असी वह फड़े गए ने, दोवें फड़े गए ने। लेकिन असी हुकूमत के वक्त में यह दसते हाँ जी निगरान हुकूमत आई है इन्होंने दसते हाँ कि पिछलियाँ हुकूमतों को सबक लै लियो। एक ने गाजी छेड़िया सी तो रुड़ गया, दूसरे ने आसिया मलूना पजाया तो वह रुड़ गया। तो तुसीं ये निगरान हुकूमत आए जे इन्हों कम अज़ कम वो सजा दवो कि आइंदा वाले लोगों वास्ते इबरत बने। और जिन्होंने चर्च जलाए ने गिरजे जलाए ने असी उहदी मजम्मत कर लिया इस वास्ते कि वह उन्होंने इबादत खाना है, पाकिस्तान साडा मुल्क है, ये असा बनाया इहदी हिफाजत भी असा ही करनी है। असी एक दरख्त का पत्ता भी कोई उखेड़दा है तो असी उहदी मुखालफत करदे हां इस गल दे विच कि उन्हें क्यों किया। लेकिन 125 लोग साढ़े मुसलमाना दे ना चुके ने ते 1200 नाम मालूम है जिन्हां ते परचे होए ने, जदों वीडियो बनिया ने सब कुछ बनया तो इन्ने बंदे क्यों चुके जा रहे ने जिहड़े उहदे विच मुलव्वस ने। हुण जदों करदे पए ने इहदे विच वजां तो देख रहे ने, इनकुआरी करदे पए ने, तो उहदे विच कई मर्दा ही निकलदे ने जिहड़े डंडा मारन वाले ने, कई ईसाई आप निकलदे ने कि इस मसले नूं होर उखेड़िया जाए। कदी तुसीं सुणिया होवे कि किसे मुसलमान ने तौरात नूं जलाया होवे? अगर जबाना है तो बोलो। कभी सुनया हो किसी मुसलमान ने इंजील नू जलाया हो, जबूर नू जलाया हो, कभी सुनया हो किसी मुसलमान ने ईसा इस्लाम की गुस्ताखी की हो। साडा तो ईमान है जिहड़ा एक नबी की भी गुस्ताखी करता वह दारा इस्लाम जो खारिज है। लेकिन ये बेईमान दूजे चौथे रोज उठ के क्यों गुस्ताखियां करते हैं? चर्चा नू ढाण वाले बंदे ते फल लै, पाकिस्तान की अमलाक नू जाया करने वाले बंदे फल लै, फड़ने भी चाहिए सी। लेकिन यदि बेस वेखो कि वाकया क्यों होया, ए जरूरत क्यों उठी है, उन्होंने कैफरे करदार तक मुलजमान पहुँचाया जाए। पाकिस्तान भी साडा है तो साडिया तो साडे माँ बाप तो साडिया औलाद दियाँ इज्जत जाना मुस्तफा के कदमों की खात तो कुर्बान है।
ਸੀਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲੀ ਆ ਤੇ ਹਦੀਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖੁੱਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ 1,16,000 ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 1,16,000 ਜਾਂ ਬੋਲੋ ਨਾ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਗਿਆ ਆ।